इस वक्त खुलने की बाजार तैयारी कर रहा है और लगभग 750 के बैंक निफ्टी पर भी आपको डेंट दिख रहा है। आपको याद होगा मंडे के लोज से लगभग 1500-1600 पॉइंट्स की आपको रिकवरी, लगभग 1200 पॉइंट्स की आपको रिकवरी सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में दिखाई थी, बैंक निफ्टी में दिखाई थी, और लगभग 500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी आपको निफ्टी में भी दिखाई थी। आज क्या वो गेंस थोड़े डाइजेस्ट होंगे ओपनिंग बेल? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ओपन होते ही कौन से स्टॉक सबसे पहले आपको मौका दे सकते हैं ट्रेडिंग का, कैसे दिख रही है पोजीशनिंग इस वक्त। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर लूजर्स बड़े डेंट जो दिख रहे हैं वो आपको आईशेयर पोर्टल में, अच्छा खासा स्टॉक चला था यहाँ मंडे और ट्यूजडे, हमने इसमें बड़े गेंस देखे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। आईटी पैक में आपको एक रिजिलियंस दिखी थी, लेकिन टेक महिंद्रा, इंफोसिस, इनमें आपको इस वक्त डेंट दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सब में 1.5 से 2% की गिरावट भी फिलहाल दिखाई दे रही है। ONGC से इस वक्त 2% नीचे है, ब्रेंट क्रूड नीचे है, विंडफॉल टैक्स की भी बात की जा रही है, तो ये स्पेस तो आप प्रेशर में देखेंगे। इसके अलावा और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं? आज हम मेटल पैक को भी सॉफ्ट देख सकते हैं। मेटल पैक ने भी, मेटल और आईटी दोनों ने रेजिलेंस दिखाई थी मंगलवार को, बड़ी FIs की बाइंग आई थी, लेकिन आज आप जो मेटल पैक में भी देख रहे हैं हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में आपको इस वक्त नरमी दिख रही है, NTPC जैसे काउंटर बड़ी मूव आ चुकी है, इनमें भी आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लगभग 1.5% कमजोर आज खुलते हुए दिखाई दे रहा है, क्या रिकवरी होगी, रिकवरी मोड होगी तो किन स्टॉक से होगी, या फिर दिन भर में प्रेशर ही बना रहेगा, इस पर जरूर एक नजर रहेगी। लेकिन इस बीच में आपको जितने भी हैवी वेट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के हैवी वेट्स हो, HDFC बैंक हो, वहां से प्रेशर है, रिलायंस जैसे हैवी वेट हो वहां से लगभग 1.5% का प्रेशर दिख रहा है। एक बार मिड कैप स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन है और कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज के बेसिस पर फिर भी आपको कुछ मूवमेंट दे सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। तो फिलहाल जो बड़ा प्रेशर आपको बैंकिंग स्टॉक मिड कैप स्पेस में दिख रहा है, उसमें भी आपको पहले 5 काउंटर्स में IT काउंटर्स मिड कैप पहले दिख रहे हैं, माइंडट्री, एम्फेसिस, कुम्फोर्ज तीनों आपको नीचे दिख रहा है। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर आपने देखा था कि पिछले कई दिनों से फंड एक्शन, बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट, डाउनग्रेड के बाद भी स्टॉक ने रेजिलियंस दिखाई थी और यहाँ पर आप आज 2% की दबाव देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली कहना चाहिए से। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर 2.5% का इस वक्त डेंट दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको दूसरे जो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिन पे डेंट है, उनमें स्टॉक्स लाइक डिक्सन, पावर फाइनेंस, इनमें डेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन रिकवरी मोड पे कौन से दिख रहे हैं स्टॉक्स जो अच्छा चल रहे हैं? अशोक लेलैंड लगभग 2.5% तक की यहाँ पर ग्रोथ, ऑटो सेल्स नंबर्स आने हैं, 2.5% तक अशोक लेलैंड। रियल एस्टेट स्पेस हमने देखा था पीछे थोड़ा सा लेट ये पैक चलना शुरू हुआ है, लेकिन फेस्टिविटीज से पहले जिस तरह के मूव इसने ट्यूजडे को दिखाई, प्रेस्टीज आज भी आपको 2% की तेजी दिखाई दे रहा है। JSW एनर्जी 7.5% चला था मंगलवार को, हाइड्रोजन का बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी में और यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस की बात की जा रही है और आप देखें यहाँ 1.5% की तेजी भी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए वेरी क्विकली फटाफट एक्सपर्ट से देखते हैं कि उन्हें ओपनिंग कैसी दिख रही है, कुछ क्या दिख रहे हैं ओपनिंग ट्रेंड्स? देखिए बहुत ही एनकरेजिंग कहूंगा मैं इसे फॉर टू रीजंस। पहला ये कि जो ओपन लो है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों ही सेम बना है, टेक्निकली हम जानते हैं कि ये एक संकेत है कि यू नो अगर ये मेंटेन हो जाता है अगले आधे घंटे के लिए तो जो यू नो बेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस कट करने आएंगे, लॉन्ग पोजीशंस बनने लगेंगी विद दी यू नो डे लो जो हुआ है एज ओपन, उसको स्टॉप लॉस बना के। दूसरा इतने अच्छे यू नो इतने गैप अप के गैप डाउन के बाद भी अगर मैं विक्स देखूं तो विक्स हल्का सा नेगेटिव ओपन हुआ था, हालांकि अब पॉजिटिव में आ गया है बट बहुत ज्यादा बढ़त विक्स में नहीं देखने मिली थी एटलीस्ट ऑन ओपन। तो अगर विक्स यहीं अपना 1950 और 20 के नीचे सस्टेन करता है तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल कोई बहुत ज्यादा पैनिक के संकेत नहीं दिख रहे हैं ऑन मार्केट्स, और जो स्टॉक्स जैसे यू नो मारुति हो या यू नो टाटा मोटर्स हो, ऑटो पैक के जो स्टॉक्स हैं इनमें भी इतनी ज्यादा फॉल नहीं आई, तो लोअर लेवल्स पे इनमें बाइंग में बिल्कुल यू नो ध्यान बना सकते हैं। कुछ तो इनकरेजिंग देख रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से आधा घंटा और बाजार टिकता है तो आप रिकवरी के ट्रेड ढूंढे। इस बीच में हम अगर डेरिवेटिव स्पेस की बात करें तो वहां पर भी आपका टॉप गेनर अशोक लेलैंड है, ऑटो नंबर्स आने हैं, इसे फोकस में रखेंगे। और साथ ही आपको कुछ दूसरे स्टॉक्स, आपको पेन स्टॉक्स, क्योंकि क्रूड नीचे है तो आपको पेन स्टॉक्स आज तेज दिखेंगे। इंडियन होटल, यहाँ पे MSCI का रीजिक था, इस पे बड़े फ्लोज की बात हुई, इंडिया होटल्स वहां पर आप तेजी देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल यहाँ पर आपको 1% की तेजी दिख रही है, किरण जानी की एक कॉल भी है, SRF लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर भी तेजी है। केमिकल स्टॉक्स को हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया।